जय दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रिसर्च सेंटर पे। तो गाइज, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट तो है ही, और आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अंकित अवस्थी सर का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये हम कंप्लीट बुक जो है वो जनवरी की है, ठीक है, जनवरी 2022 की बुक मिलने वाली है, और इस बुक में हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और मतलब कंप्लीट उसको पेज बाई पेज हम इसका रिविजन करेंगे, ठीक है, और डेली मैं आपको इसको एक घंटे की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ये एक महीने के अंदर पूरी पूरी बुक जो है फिनिश हो जाएगी, तो बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। मुझे आप लोगों को साथ चाहिए, ये जो बुक है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक ऑफ रेलवे, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 रुपये की आपकी बुक है, ठीक है, बट आप अगर अंकित अवस्थी सर के एफसी को परचेज करते हैं तो मात्र आपको 50 रुपये में परचेज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, अंकित अवस्थी सर की करंट अफेयर की, हमारे वर्तमान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आरएएस अधिकारी है। ठीक, तो ये अंकित अवस्थी सर जो आप देख सकते हैं, ये आरएएस वर्तमान में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टैग किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अंकित अवस्थी सर की हैं। ठीक है, तो ये चलिए नीचे चलते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले विशेष देखते हैं इसमें है क्या क्या, तो इसमें हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण व्यक्ति दे रखे हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, नियुक्ति, इस्तीफा, निधन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल परिदृश्य, दिवस, सप्ताह, वर्ष, पुस्तकें, योजनाएं, महत्वपूर्ण सूचकांक, राष्ट्रीय मुद्दे है ना, और विज्ञान, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, और आर्थिक, कृषि, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, विविध और प्रश्न उत्तरी। तो ये इसमें देखिए 170 पेज की मेरी बुक है, तो बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। मुख्य सबसे पहला जो मुद्दा हमारे पास क्या होने वाला है, देखो महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पहला मुद्दा हमारा होने वाला है, तो देखते हैं संवैधानिक क्रम सबसे पहले जो संवैधानिक पद पर है, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, वो इस समय जो है वो 14 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं वो, तो 14 नंबर के हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति वो है रामनाथ कोविंद, कौन है, रामनाथ कोविंद है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति 13 है, और ये कौन है, एम वेंकैया नायडू है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जो कि अपने पद पर 15 है, तो वो है नरेंद्र मोदी, कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है 48 में, वो है एन वी रमना, कौन है, एन वी रमना। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि 48 में, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वो है ओम बिरला। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, रिक्त पद पर कोई नहीं। सभापति कौन है, तो है एम वेंकैया नायडू, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। उपसभापति कौन, राज्यसभा में, तो हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, कौन है, वो हरिवंश नारायण सिंह है। उसके बाद देखेंगे सर की यहाँ पर नियंत्रण जो सी ए जी कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कैग है, सी ए जी है, और सी जी एक दीपक दास है, मतलब नियंत्रण, महालेखा नियंत्रक जो है। ठीक है, वह दीपक दास, तो इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अब देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में, किस किस मंत्री को कौन कौन सा मंत्री मिला हुआ है। ठीक है, तो 13 हमारे यहाँ पे मंत्री हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पास है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, अंतरिक्ष मामले, अंतरिक्ष एजेंसी, ऐसे मामले जिस पर किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, तो ऐसे राजनाथ सिंह, ऐसे रक्षा मंत्रालय। अमित शाह बात करते हैं, अमित शाह कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, याद रखिएगा। तो बात करते हैं नितिन गडकरी, नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास है सड़क परिवहन, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो नितिन गडकरी के पास कौन से भी सड़क परिवहन मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण के कैबिनेट मंत्री, इनके पास वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, याद रखिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, ये कैबिनेट मंत्री, इनके पास कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय है। और एस जयशंकर, ये कैबिनेट मंत्री, इनके पास विदेश मंत्रालय। ठीक है, एस जयशंकर कौन है, तो इनके पास विदेश मंत्रालय, याद रखिएगा। उसके बाद अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री, ये जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। इसमें तिरानी कैबिनेट मंत्री है, इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद पीयूष गोयल, ये कैबिनेट मंत्री, इनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, वस्त्र उद्योग विभाग, ठीक है, ये इनके पास है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर है धर्मेंद्र प्रधान, ये कैबिनेट मंत्री है, और इनके पास शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो है, इनके पास शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान के पास में ही है। प्रहलाद जोशी बात की, कैबिनेट मंत्री, इनके पास संसदीय मामले और कोयला एवं खनन, नारायण राणे जो है, इनके पास एमएसएल मंत्रालय। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं सर ने, एक भी में फालतू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे ये भी हमारे सारे के सारे रखे हैं। ठीक है, कुछ नीचे देखो। उसके बाद सर्वानंद सोनोवाल जो है, ये कैबिनेट मंत्री है, इनके पास बंदरगाह, पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। ठीक है, इनके पास है तीन मंत्रालय, बंदरगाह, बंदरगाह या फिर पोर्ट परिवहन की बात है, और आयुष मंत्रालय। मुख्तार अब्बास नकवी जो है, मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। ठीक है, अल्पसंख्यक मामले इनके पास है। और वीरेंद्र सिंह जो है, कैबिनेट मंत्री है, इनके पास सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। गिरिराज सिंह जो है, कैबिनेट मंत्री, इनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये कैबिनेट मंत्री, इनके पास स्टील मंत्रालय। और पशुपति कुमार पारस, कैबिनेट मंत्री, इनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। असमी वैष्णव, इनके पास देखिए रेल, संचार और सूचना। ठीक है, रेल, संचार और सूचना। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्रालय है। और किरण रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्रालय। राजकुमार सिंह, यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। भूपेंद्र यादव, तो यह पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्रालय एवं श्रम रोजगार मंत्रालय। महेंद्रनाथ पांडे, भारी उद्योग। और जी किशन रेड्डी जो है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कौन है, तो जी किशन रेड्डी जो है, कौन है, जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो इनके पास देखिएगा, इनके पास संस्कृति, पर्यटन, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मंत्रालय। अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मंत्री, इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। और पुरुषोत्तम रूपाला, यह डेयरी मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय। तो यहाँ पर ये राज्य थे, अब देखिए केंद्र शासित देख लेते हैं। अनुमान कुमार जिसमें जो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, उपराज्यपाल, कौन है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ की बनवारीलाल पुरोहित, प्रशासक वहाँ के। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री कोई है नहीं, वहाँ पर उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के अनिल बैजल उपराज्यपाल है। दादा नगर हवेली में मुख्यमंत्री नहीं है, दमनदीप भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल है, ये वहाँ के उपराज्यपाल है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, और तमिल सही सौंदराजन, ये उपराज्यपाल है। अधिक बार ने संभाल रखा है। लक्षद्वीप में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लद्दाख में भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। लक्षद्वीप प्रफुल्ल पटेल प्रशासक, और राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के हैं। ठीक है, तो ये हमारे मंत्री थे। उसके बाद देख लेते हैं सचिव सलाहकार जो है, सचिव सलाहकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सचिव सलाहकार की देखिए बात करते हैं, तो कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा है। कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा है। प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री के, तो वह डॉक्टर पीके मिश्रा, जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, वह डॉक्टर पीके मिश्रा। और विदेश सचिव कौन है, वह हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है, तो पी वी सोमनाथन है। रक्षा सचिव अजय कुमार, और राजस्व सचिव है अरुण बजाज।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की के विजयराघवन और मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के किशन मूर्ति सुब्रमण्यम, तो ये सचिव एवं सलाहकार थे। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं गुप्तचर एजेंसियों एवं जांच संगठनों के प्रमुख नाम। ठीक है, देखिएगा कि सीबीसी केंद्रीय सॉरी सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीसी है, इनके प्रमुख हैं सुरेश एन पटेल। ठीक है, और निदेशक निदेशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई है उसके सुबोध कुमार जायसवाल, और सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त वो हैं वाई के सिन्हा, प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अरविंद कुमार, प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रो वो है सुमंत कुमार गोयल, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है उसके कुलदीप सिंह, और निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी इसके संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि प्रमुख आयोग अध्यक्ष एवं सचिव। ठीक है, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव की बात कर लेते हैं तो नीति आयोग के आपको बताइए, नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है कुछ, है ना। तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ कौन है तो अमिताभ घोष, अध्यक्ष कौन है संघ लोकसभा के लिए यूपीएससी कौन है तो प्रदीप कुमार जोशी है, और अध्यक्ष 21वें विधि आयोग कौन है तो बलवीर सिंह चौहान है, अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के तो है रेखा शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग डॉक्टर भगवान लाल साहनी, और अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वो हर्ष चौहान है, और अध्यक्ष उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं सरदार इकबाल लालपुरा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि यहाँ पे अध्यक्ष किसके, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो धीरेन्द्र पाल सिंह है, अध्यक्ष उन्हें सातवें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। ठीक है, अशोक कुमार माथुर जो है सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष, और पंद्रह वित्त के अध्यक्ष उन्हें एनके सिंह। ठीक है, अध्यक्ष उन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा याद रखना, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण है एवं उनके अध्यक्ष, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण तो रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन कौन है तो सुनीत शर्मा है। कौन है? सुनीत शर्मा। अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कौन है तो अजय त्यागी, सीबीएफसी प्रसून जोशी, सीबीडीटी जेबी महापात्रा, सीबीआईसी विवेक जोड़ी, एनडीडीबी मिनेश शाह, और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। अच्छा, ट्राई के जो है वो पीडी वाघेला है, और यूआईडीएआई जिसमें आधार कार्ड बनाते हैं सौरभ गर्ग। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? लोकलेखा समिति का धीरेन्द्र चौधरी है, और टाटल समिति गिरीश बापट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई अलका उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद देखिए सशस्त्र सीमाओं के यहाँ पर जो प्रमुख है उनकी बात करते हैं, सर्वसेनापति भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, सीरिया जो है अभी ये पद भर चुका है लेकिन इसमें दिखाई नहीं है। वायुसेना के प्रमुख कौन है तो एयर चीफ मार्शल जो है वी आर चौधरी। ठीक है, वी आर चौधरी। ओके, तो नौसेना के जो है वो आर हरिकुमार है। कौन है? आर हरिकुमार। ठीक है, और थल सेना के कौन है? मनोज मुकुंद नरवाल। ठीक है, देखिए अर्धसैनिक बलों की बात कर लेते हैं तो अर्धसैनिक बलों में देखिए कि जो एसएसबी है मतलब सशस्त्र सीमा बल उसके कुमार राजेंद्र चंद्र, जो मेरी सीमा सुरक्षा बल है बी एस एफ उसके पंकज कुमार सिंह, महादेश जो है वो सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, एनएसजी के कौन है? एम एस गणपति, एम ए गणपति है। ब्यूरो के कौन है तो राजीव चौधरी, आईटीबी के कौन है संजय अरोड़ा, एनसीसी के कौन है जय गुरबीर पाल सिंह, और आईसीजी के कौन है कृष्ण स्वामी नटराजन। तो ये और भी हैं कुछ देखिएगा नीचे, महानिदेशक कौन है आरपीएफ के रेलवे प्रोडक्शन फोर्स तो संजय चंद्र है, और एआरके असम राइफल्स के प्रदीप चंद्र नायर, और सीआईएसएफ के सीलवर्धन सिंह। कौन है? सीलवर्धन सिंह। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं भारत के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो भाई अच्छे से देखेंगे इनको, तो राज्यपाल के बारे में असम के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीश मुखी है ना, और मुख्यमंत्री कौन है? हिमता बिस्वा शर्मा। ठीक है, हिमता बिस्वा शर्मा। तो इसको तो याद कैसे कर सकते हैं कि असम की चाय है ना, असम की चाय पूरे जग में क्या है, पूरे जग में क्या है, जग में या फिर विश्व में फेमस है ना, यहाँ पर जगह और यहाँ पर विश्व दोनों में ही फेमस है। तो असम की चाय जैसे जग से जगदीश और विश्व से बिस्वा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्य राज्यपाल है वो है बी डी मिश्रा, वो है बी डी मिश्रा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री वो है पेमा खांडू। ठीक है, तो आप लोग याद रखेगा कि जो अरुण है वो बहुत गंदा बच्चा है, अरुण से हम इसको हर बार रिलेट करते हैं। तो अरुण जो बी डी बी पीता है याद रखेगा, और यहाँ पर क्या है पेमा, वो पेमा खांडू ये खाता भी है, वो पेमा जो है वो खाता भी है, तो बी डी बी पीता है और खाता भी है याद रखेगा, खांडू खांडी जो गोली होती है उनको वो खाता भी है। उत्तर प्रदेश के नंदीन पटेल है। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, क्यों है? योगी आदित्यनाथ है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के जो गुरमीत सिंह है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। पंजाब की बात करते हैं जो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, और मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़। ठीक है, और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। बिहार की बात करते हैं यहाँ जो राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान है, और यहाँ की मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल है मंगू भाई जग्गू भाई पटेल, और यहाँ की मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्यमंत्री जो यहाँ उद्धव ठाकरे हैं। मणिपुर के राज्यपाल है गणेशन, और यहाँ के मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह। कौन है? एन वीरेन सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर मेघालय के मेघालय के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक है, और कोनराड के संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के देखें तो हरिबाबू कुलपति यहाँ के राज्यपाल हैं, और जोरम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के देखिएगा कि जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी है ना, और यहाँ के जो नेफ्यूरी मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सिक्किम के राज्यपाल हमारे गंगा प्रसाद, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है प्रेम सिंह तमांग। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम राजेंद्र आर्लेकर, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। हरियाणा के राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है बिप्लब कुमार देव। उड़ीसा के राज्यपाल गणेश लाल, और नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल नाम थावरचंद गहलोत, उनके मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। केरल के मुख्यमंत्री नाम आरिफ मोहम्मद खान, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। गोवा के राज्यपाल नाम पी एस श्रीधरन पिल्लई, उनके मुख्यमंत्री उनका नाम प्रमोद सावंत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आचार्य देवव्रत राज्यपाल है, और भूपेंद्र पटेल यहाँ पर मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम यहाँ पर अनुसूया उइके, उनके मुख्यमंत्री उनका नाम भूपेश बघेल। झारखंड के राज्यपाल का नाम रमेश बैस, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम आर एन रवि, उनके एम के स्टालिन मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो और देखिए आंध्र प्रदेश के जो पर मुख्यमंत्री वो है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, और विश्व चौधरी चंद्र के राज्यपाल है। तेलंगाना के राज्यपाल का नाम तमिल सुधार के चंद्रशेखर राव के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो भाई ये था मेरे यहाँ पर मुख्यमंत्री। अब देखिए वैश्विक संगठनों एवं उनके प्रमुखों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएन में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल वाले हैं, और सत्रहवीं जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला साहिद। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मार्कस। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके जो मुख्य हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मुख्य हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस अदानोम। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो मुख्य हैं मतलब जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस प्राडो ट्रायजो। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके मुख्य जो हैं, ठीक है, प्रमुख जो हैं वो हैं रॉय राइडर। यूनेस्को के प्रमुख आर्डे जोल। यूनेस्को के प्रमुख कैथरीन एम रूसेल। रेड क्रॉस के
प्रमुख पीटर मोर पीटर मोर है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय समिति प्रमुख क्या प्रमुख है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख वो है नागोजी ओंगोजी लविला ठीक है। ADB के मुख्य प्रमुख वो है मसाचुगु असाकावा। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिन लुकिन। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन किया क्यू डोंग यू यहाँ के प्रमुख है। इंटरपोल के महासचिव अहमद नसीर अल रायसी है। और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख वो है राफेल मेरियानो। ग्रासी साठ के प्रमुख हैं तो एसला वेराकुन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ जो जॉन डोनोव्यू ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन किटक लिम है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन डेविड ग्रिप्स है। गेम्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन डोरेन टैग कौन है डोरेन टैग ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो है क्लाउस श्वाब। और CEO कौन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के तो है ब्रूनो ओबेली। और UNFDA तो है IB पीटरसन ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख थे संस्थाओं से रिलेटेड। अब हाई कोर्ट की देखिए बात कर लेते हैं ठीक है। तो हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में होती है, कब 1866 में होती है। और अधिकारी का चित्र कहाँ उत्तर प्रदेश केवल केवल और इसकी जो यहाँ पीठ है वो कहाँ पर है प्रयागराज में भी है। प्रयागराज में मुख्य पीठ है और पीठ केवल लखनऊ में है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2019 को गठन हुआ था उसका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ठीक है। आंध्र प्रदेश और इसका जो मुख्य पीठ है इसका जो अधिकारी क्षेत्र है अधिकारी क्षेत्र से कौन सा आंध्र प्रदेश है अमरावती इसकी मुख्य पीठ है ठीक है। याद रखिएगा अमरावती में स्थित है। बॉम्बे की बात करें तो 1862 में गोवा महाराष्ट्र दादर नगर हवेली ठीक है। ये कई सारे राज्य हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। और बॉम्बे पीठ देखो एक नागपुर में भी इसकी एक ब्रांच है पणजी में भी और एक औरंगाबाद में तो 3 जगह इसकी ब्रांच है। कलकत्ता हाईकोर्ट में देखिए 1862 में ये भी बना था तो ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए बना था मोस्टली दो क्षेत्र इसमें आते हैं। और कोलकाता कोलकाता क्या इसकी एक ब्रांच है मुख्य ब्रांच है और इसकी ब्रांच जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000 में बना और छत्तीसगढ़ राज्य का केवल अधिकार है बिलासपुर में स्थित है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में ही है दिल्ली का इस अधिकार है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये चार राज्यों को संभालता है गुवाहाटी पीठ कोहिमा आईजोल ईटानगर इसकी ब्रांच देखो कहाँ पर कोहिमा में आईजोल में ईटानगर 3 इसकी ब्रांच है ठीक है। उसके बाद देखिए कि गुजरात हाई कोर्ट जो है कौन सा हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट है ये गुजरात में को संभालता है और ये अहमदाबाद में इसकी मुख्य ब्रांच है। हिमाचल प्रदेश में देखिए हिमाचल प्रदेश को संभालता है चिकन बनाता है शिमला में इसकी मेन ब्रांच है ठीक है। और यहाँ जम्मू कश्मीर यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू में है। झारखंड जो है ये झारखंड रांची इसकी राजधानी रांची में है। कर्नाटक हाई कोर्ट जो 1884 में कर्नाटक राज्य वही में अखिल कर्नाटक राज्य पर इसका अधिकार है और रांची में सॉरी बेंगलुरु में स्थित है। केरल की बात करें तो केरल जो हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप दो राज्यों के लिए बनाया गया है और एर्नाकुलम में उसकी मुख्य ब्रांच है ठीक है। असम की बात करते हैं सॉरी मध्य प्रदेश का जबलपुर में है और मद्रास का चेन्नई में है। तमिलनाडु पुदुचेरी के लिए बनाया गया मद्रास हाईकोर्ट जो है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा राज्य के लिए कटक में है और पटना की बात करें तो बिहार पटना में है ठीक है पटना हाईकोर्ट। और पंजाब की बात करें पंजाब हरियाणा की तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ 3 राज्यों के लिए बनाया गया पंजाब हाईकोर्ट और इसकी मेन ब्रांच वहाँ पर चंडीगढ़ में। राजस्थान हाईकोर्ट जो देखिए राजस्थान में जोधपुर में है इसकी पीठ जयपुर में भी है। सिक्किम की बात करें तो देखिए गंगटोक में है। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल में है। मेघालय की बात करें शिलांग में है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो इम्फाल में और त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर अगर हम बात करें तेलंगाना की तो हैदराबाद में सबसे नवीनतम बना हुआ हाईकोर्ट यही 1 जनवरी 2019 को बना था ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नियुक्तियां इस्तीफा निधन चर्चित व्यक्ति चर्चित स्थल इनके बारे में हम देख लेते हैं ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सारी के सारी देखिएगा ये कह रहे हैं इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए चुने गए भारत के उम्मीदवार। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको बोलते हैं इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना गया है। चुनाव में चार प्रतियोगी चीन सिंगापुर दक्षिण कोरिया और जोर्डन थे। भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCP इंडिया के इंडिया ने इस चुनाव के प्रचार के लिए दुनिया भर में अपने समकक्षों से संपर्क किया। इस्तांबुल तुर्की में चल रहे 89 इंटरपोल महासभा के दौरान चुनाव हुए थे। तो याद रखिएगा इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए चुने गए भारत उम्मीदवार का नाम क्या था प्रवीण सिन्हा क्या नाम उनका प्रवीण सिन्हा ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ। इंटरपोल सभी 195 सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। पूरी दुनिया के साथ इसके पूरी दुनिया में इसके 7 क्षेत्रीय ब्यूरो है। इसका गठन 1923 में हुआ था। इसका आदर्श वाक्य पुलिस को एक सुरक्षित दुनिया से जोड़ना है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स में है। किंग जोंग इसके अध्यक्ष है ठीक है। किंग जोंग क्यों इसके अध्यक्ष हैं तो फ्रांस में इसका मुख्यालय है ठीक है। याद रखिएगा अगला देखिएगा कि शेखा सब अल खादिर ठीक है शेखा सब अल खालिद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिएगा कि शेखा सब अल खालिद अल अहमद अल सबा ठीक है कौन कौन है शेखा सब है ना शेखा सब अल खालिद अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेखा सब ने 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहायक संगठन के दूत के रूप में काम किया है। उन्हें सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज के आदेश से भी सम्मानित किया गया है। कुवैती क्राउन प्रिंस शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के अमीर की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा को एक नई सरकार बनाने के लिए अनुमोदन के लिए नामों और एक सूची प्रदान करने को नियुक्त किया गया है। कुवैत के बारे में बता दूं आपको कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और जो मुद्रा है वो कैसे कुवैत दिनार है कैसे मुद्रा है कुवैत दिनार है ठीक है। आगे चलिएगा देखिए कि मध्य प्रदेश भारत का पहली साइबर तहसील है। मध्य प्रदेश बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद MP साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी इसका लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अविवादित भूमि के मामले में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। मध्य प्रदेश गृहमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट के नागरिकों को और ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए 25 नवंबर से ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। इस अभियान से स्कूल कॉलेज और आम जनता को जोड़ा जाएगा। भारत का ऊर्जा साक्षरता अभियान बड़े पैमाने पर चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत की पहली साइबर तहसील कहाँ बनी है तो वो बनी है मध्य प्रदेश में ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना इस चीज़ को। अगर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी वो भोपाल है और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ शिवराज सिंह चौहान है ठीक है। अगला देखिए रजनीश कुमार बने हीरो मोटो कॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक ठीक है। देखिए दो पहिया वाहन प्रमुख हीरो मोटर्स ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। कुमार ने अक्टूबर 2020 में SBI के अध्यक्ष के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह वर्तमान में SBC एशिया पैसिफिक LNT इंफोसिस सहित अन्य कंपनियों के बोर्ड के एक निश्चित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और रेजिलिएंट इनोवेशन के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं ठीक है। तो याद रखिए रजनीश कुमार जो है वो अब हीरो मोटर्स के क्या बने नए निदेशक बने हैं।
पेट्रो फियाला, याद रहेगा पेट्रो फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेट्रो फियाला, तो पेट्रो फियाला को राष्ट्रपति मिलोस जेन जेमन ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। फियाला 57 तीन पक्ष गठबंधन टुगेदर सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक टॉप 09 पार्टी का प्रमुख है, जिसने अक्टूबर की शुरुआत में 27.8% वोट हासिल किए। फियाला ने एंड्रेज बाबिस की जगह ली है। गठबंधन ने अरबपति बाबिस के नेतृत्व वाले ANO आंदोलन को संघीय रूप से हराया। महापौरों को निर्दलीय उम्मीदवारों का मध्य मार्ग समूह और वामपंथी समुद्री डाकू पार्टी बाबिस को हटाने के लिए फियाला फियाला के गठबंधन में शामिल हो गए, जिन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री पद में कार्यभार संभाला। तो याद रखिएगा, चेक गणराज्य है, इसकी जो राजधानी वो प्राग है, यहाँ की मुद्रा है वो चेक कोरोना, ठीक है, चेक कोरोना यहाँ की मुद्रा है। ओके, देखिए विवेक जोहरी कौन है, तो विवेक जोहरी बने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड के नए अध्यक्ष, ठीक है, विवेक जोहरी। तो वरिष्ठ अधिकारी विवेक जोहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। वह एम अजीत कुमार, ठीक है, राजस्थान लेंगे, जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वह 1985 के भारत राज्य सेवा अधिकारी है, यह वर्तमान में CBIC के अध्यक्ष सदस्य रूप में कार्यरत है। अब देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, ठीक है, CBIC भारत में GST सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर और नारकोटिक्स को प्रशासित करने वाली नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। सीमा शुल्क और राष्ट्रीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना 1885 में 1885 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने और आयात शुल्क या भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए की गई थी। CBIC भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है। तो CBIC की बात करें तो देखिए, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में गठन 1944 में हो गया था, ठीक है। आगे देखिए कि हर्षवंती बिष्ट, ठीक है, हर्षवंती बिष्ट बनी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। 62 वर्षीय बिष्ट ने प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने के लिए कुल 107 वोट में से 60 वोट हासिल किए हैं। यह पहली बार की किसी महिला को IMF के अध्यक्ष के रूप में चुना जा रहा है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। हरसंदी बिस्ट के बारे में देखिए, पौड़ी जिले के सुकई नामक गांव की रहने वाली 62 वर्ष हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मान बिस्ट ने कहा कि एक समय था जब पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों में उत्तराखंड शीर्ष पर हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में परिदृश्य बदल गया है। 1975 के उत्तराखंड नेहरू स्थित पर्वतारोहण इस संस्थान में पर्वतारोहण का एक कोर्स करने वाली बिस्ट ने 1981 में नंदा देवी की चोटी पर चढ़ाई की, जिससे उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। वह 1984 माउंट एवरेस्ट के लिए एक अभियान दल की सदस्य भी थी। अर्थशास्त्र में की प्रोफेसर बिस्ट हाल ही में उत्तराखंड के PG कॉलेज में प्राचार्य के पद पर सेवानिवृत्त हुई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये थी हमारी हरसंदी बिस्ट जो है पर्वत फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला देखिए, भारतीय मूल के कार्यकारी पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के नए CEO बने हैं। तो सोशल मीडिया ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी, ठीक है, के पद छोड़ने के बाद भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी कार्यकारी पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। वह अब SNDP 500 में सबसे कम उम्र के CEO है और मार्क जुकरबर्ग जो मेटा प्लेटफॉर्म इंक के CEO हैं से आगे निकल रहे हैं। हालांकि अग्रवाल 37 साल के हैं और उनकी उम्र मार्क जुकरबर्ग जितनी ही है, ठीक है। पराग 10 साल पहले ट्विटर से जुड़े थे जब 1000 से कम कर्मचारी थे। वह हर महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे रहे हैं जिसने इस कंपनी को बदलने में मदद की है, ठीक है। थोड़ा सा हम तो पराग अग्रवाल के बारे में जान लीजिए। देखिए, पराग ने अपना स्नातक जो था प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से किया है। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स पढ़ाई की है। उन्होंने 2012 में इसी संस्थान से कंप्यूटर साइंस में PhD की थी। ट्विटर देखिए 2006 में गठन हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर देखिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कोलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने राष्ट्रीय रक्षा कोलिस नई दिल्ली में कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह लुधियाना के रहने वाले हैं। NDC, ठीक है, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, में असाइनमेंट दिए जाने से पहले बठिंडा में 10 कोर की कमान संभाल रहे थे, जिसमें देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, नागरिक अधिकारी और पुलिस भारतीय पुलिस सेवा के बीच एक रणनीतिक संस्कृति विकास विकसित करना शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल मागो जो भारतीय सैन्य अधिकारी देहरादून से उत्तीर्ण हुए, 1984 में गॉड्स ब्रिगेड की 7वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। बाद में उन्हें 16 गॉड्स को गॉड्स के समान कमान संभाली। इसमें की मंथाना बनी GUVI की ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT GUVI ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंथाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। GUVI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंथाना का चेहरा होंगी और के GUVI के ऑनलाइन अभियान में शामिल होंगी, जिनको देश तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के महत्व को मजबूत करना है, ठीक है। GUVI के बारे में जान लो, देखो GUVI है क्या, तो GUVI के व्यक्तियों को उनकी पसंदीदा मूल भाषा हो, तो याद रखिएगा कि जो GUVI के ऑनलाइन अभियान में शामिल होंगे, जिनको देश तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल के महत्व को मजबूत करना है। GUVI के बारे में जान लो, तो GUVI क्या है, व्यक्तियों की उनकी पसंदीदा मूल भाषा हो, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी और प्रोग्रामिंग कौशल प्रदान करने वाला भारत का पहला स्थानीय एड टेक स्टार्टअप है, याद रखिएगा। अच्छा, सविंद्र पात्र को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। जो सविंद्र पात्रा है, सविंद्र पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा सविंद्र पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम, ठीक है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, IAS अधिकारी जी कमलावर्धन राव ITDS के प्रबंधक के पद को संभालेंगे। भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली आतिथ्य खुदरा और शिक्षा कंपनी, इससे पहले पात्रा ने ONGC के स्वतंत्र निदेशक रूप में कार्य संभाला था। सविंद्र पात्रा की नियुक्ति ITDC के अंशकालिक और गैर सरकारी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो पहले तक हो जाए उसी के लिए वो पद पर रहेंगी, ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के बारे में थोड़ा सा लोग जान लो, इसकी जो स्थापना 1 अक्टूबर 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इस मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ इस मुख्यालय नई दिल्ली में। रगीबा गोपीनाथ बनी IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक, गीता गोपीनाथ है ना। भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक बन गई है। वह संगठन में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय है। उप प्रबंधक निदेशक IMF ने प्रबंध निदेशक के बाद दूसरा शीर्ष पद हासिल किया है। गीता गोपीनाथ कौन है, तो गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री है। उनका जन्म 1970 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पढ़ाई पूरी की और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में परास्नातक और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में PhD की। 2018 में IIM का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया इनको, ठीक है।
उन्होंने कोविड 19 के कारण 2020 की विश्वव्यापी मंदी को दैग्रिक लॉकडाउन नाम दिया है। 2021 में आईएमएफ का पहला प्रबंध निदेशक नामित किया गया था। यह संगठन में नंबर दो का स्थान है। पुरस्कार में बात करें तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान के से सम्मानित किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शाहप्रति बने हैं एनएआरसीएल के अध्यक्ष। शाहप्रति कौन बने हैं? तो एनएआरसीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखें कि इंड एशिया फंड एडवाइजर्स, ठीक है, इंडिया एशिया फंड एडवाइजर के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हार्वर्ड से एमबीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट शाह को भारत की पहली और सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी और रेटिंग फर्म क्रिसिल की स्थापना में भी योगदान रहा है। वहीं आदित्य बिरला एसेट, ठीक है, आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय जैन भारत ऋण समाधान कंपनी आईडीआरसीएल के मुख्य कार्यकारी होंगे। जो निजी स्वामित्व वाली कंपनी संपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी है, जो एनएआरसीएल द्वारा अधिग्रहित अशोध्य ऋणों को निपटाने के लिए अनिवार्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 जनवरी 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारतीय पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1948 से 1950 तक गणराज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के संक्षिप्त रूप में कैबिनेट मंत्री रूप में कार्य भी किया था। प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया, ठीक है, देखिए पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ का हाल ही में निधन हो गया है। वह हिंदी प्रसारण पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने दूरदर्शन के साथ 70 के दशक में मध्य में युवा कार्यक्रम युवा मंच के और बाद में कई अन्य टेलीविजन समाचार चैनलों के साथ काम किया। वह एनडीटीवी की यात्रा का भी एक अभिन्न हिस्सा रहे थे। विनोद दुआ, उन्होंने बहुचर्चित फूड शो जायका इंडिया में उन्हें बेहतरीन स्वाद के लिए पूरे देश में घूमते देखा था। हाल ही में उन्हें डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म द वायर ऑफ एचडब्ल्यू न्यूज के वेब शो में अपनी राजनीतिक टिप्पणी के लिए जाना जाता है। श्री दुआ को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। पुरस्कार की बात करते हैं, देखो 1966 में वह पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकारिता पुरस्कार में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार जीतने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बने थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्मश्री भी सम्मानित किया गया था। जून 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके जीवन भर के प्रति के लिए मुंबई प्रेस क्लब ने उन्हें रेंडिंग पुरस्कार से सम्मानित किया, जो उन्हें महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रदान किया गया था। एनएचएआई, ठीक है, अलका उपाध्यक्ष बनी, नई अध्यक्ष बनी अध्यक्ष, ठीक है। देखो केंद्र में अलका उपाध्यक्ष को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश कैडर की 1982 की आईएएस अधिकारी उपाध्यक्ष वर्तमान में ग्रामीण विकास बैंक विभाग की अतिरिक्त सचिव भी हैं। अन्य नियुक्ति की बात करें तो देखो कार्मिक गृह मंत्रालय के एक आदेश में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सुदीप कुमार नायक को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अडामा बैरो ने गांबिया के राष्ट्रपति रूप में दूसरा कार्यकाल जीता। तो देखो गांबिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने गांबिया के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 53 निर्वाचन क्षेत्रों में से 50 में से 53 से अधिक मत प्राप्त करने वालों करके राष्ट्रपति रूप में दूसरा कार्यकाल जीता। उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी ओसानो दारुम को हराया। उन्हें 27.7% वोट मिले। चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग के अध्यक्ष अलियू मोमर नजई ने घोषित किया। 5 साल पहले राष्ट्रपति रूप में अडामा बैरो ने बैरो की धारणा पूर्व तानाशाह यह जाम में की तानाशाही के 20 साल से अधिक समय तक समाप्त हो गई। राजधानी क्या देखें कि बंजुल है और मुद्रा क्या यहाँ पर, तो कैमिबियन राशि है, ठीक है। देखिएगा सुनील अरोड़ा को शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था IDEA में शामिल होने का आमंत्रण आया है। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, ठीक है, को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंट, ठीक है, जिसे इंटरनेशनल IDEA भी कहा जाता है, को के सलाहकार बोर्ड में उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। IDEA के सलाहकारों के 15 सदस्य बोर्ड है, जिनमें से सभी विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि प्रख्यात व्यक्तित्व हैं। भारत के चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है कि सुनील अरोड़ा के पास अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कामकाज के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए समृद्ध नेतृत्व, अनुभव, ज्ञान और कौशल है। सुनील अरोड़ा ने दिसंबर 2018 से 2021 तक भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके कार्यकाल में ही 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय IDEA के बारे में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंट इंटरनेशनल IDEA की स्थापना 1955 में हुई है। स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत संस्थान के संस्थापक सदस्य में से एक है। वर्तमान में इसके 24 सदस्य हैं देश हैं, जिसमें सभी महाद्वीपों के नए पुराने छोटे और बड़े लोकतंत्र शामिल हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंट, तो देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। स्टॉकहोम में इसका एक्टिव है और महासचिव इसके कोबिन कैस जमोरा, ठीक है। देखो कि फिक्की ने संजीव मेहता को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया, तो फिक्की ने जो संजीव मेहता को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने घोषणा की कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक संजीव मेहता को FICCI के अध्यक्ष रूप नियुक्त किया जाएगा। मेहता यूनिलीवर दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और न्यूक्लियर लीडरशिप एक्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, जो यूनिलीवर का वैश्विक कार्यकारी बोर्ड है। इसके साथ 1927 में मुख्यालय नई दिल्ली में महासचिव इसके अरुण चावला है। अच्छा, अब बात करते हैं FMA निर्मला सीतारमन फोर्ब्स की 2021 दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से 37वें स्थान पर आई हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर या फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 18वें संस्करण में स्थान दिया है। उन्हें लगातार 30 साल सूची में शामिल किया गया है। वह 2020 में सूची में 41वें स्थान पर, 2019 में 34वें स्थान पर, ठीक है, भारत में 7वीं महिला अरबपति हैं। अरबपति और सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति फाल्गुनी नायर, संस्थापक और सीईओ नायका, सूची में 88वें स्थान पर है। फोर्ब्स 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं सूची में केवल 4 भारतीय महिलाओं को स्थान दिया गया है। सूची में अन्य भारतीय महिलाएं और कौन कौन सी हैं? HCML टेक्नोलॉजी की चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा, भारत में एक सूचीबद्ध IT कंपनी नेतृत्व करने वाली पहली महिला, सूची में 52वें स्थान पर रही है, ठीक है। अच्छा, इस सूची में याद रखिएगा कि इस सूची में है ना
इस सूची में बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक किरण मजुमदार बहत्तरवें स्थान पर है। उन्होंने 1978 में भारत में सबसे बड़ी सूचीबद्ध बायो फॉर्मियल फर्म की स्थापना की थी। सूची की मुख्य विशेषताएं हैं, दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला मैगजी स्पोर्ट, परोपकारी लेखक और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी फोर्ब्स की 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर रही हैं, जिन्होंने निवर्तमान जर्मन चैंसलर एंजेला मर्केल की जगह ली है, जिन्होंने 17 पुनरावृत्तियों सूची में से 15 में शीर्ष में स्थान हासिल किया है। कमला हैरिस ने अमेरिका को राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और रंग ब्लैक की पहली व्यक्ति सूची में दूसरे स्थान पर बनी है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कमला हैरिस भी भारतीय है भी। अच्छा, अगला देखिए रविंद्र भास्कर, रविंद्र भाकर NFDC फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख बने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, CEO रविंद्र भाकर ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रन लिमिटेड फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया। वह भारतीय रेलवे स्टोर सेवा, ठीक है, IRSS के 1999 बैच के अधिकारी, उन्हें फिल्म प्रमाण निकाय के CEO के रूप में अपने वर्तमान कर्तव्य के अलावा यह प्रभाव सौंपा गया है। सेना प्रमुख नरवाने चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाला, याद रखिएगा। सेना के प्रमुख जनरल MM नरवाने ने चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाला, जिसमें तीन सेवा प्रमुख शामिल हैं। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत मृत्यु के बाद यह पद रिक्त हुआ। जनरल नरवाने को प्रभार दिया गया क्योंकि यह तीन सेना के प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ है। IAF एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल हरिकुमार ने 30 दिसंबर और 30 नवंबर को अपने अपने पद संभाले हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर के निर्माण से पहले तीन सेवा प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। तो अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अच्छा, SEPI उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में 25 उद्यमिता केंद्र लॉन्च करके देश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के बारे में देखिए, वर्तमान में SEPI पंजीकृत इकाई 5 लाख करोड़ से अधिक है। ये IT निर्यात तक पहुंच रहे हैं। SEPI भारत में सबसे बड़े तकनीकी इनक्यूबेटरों में से एक है, जिनका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग फुट है, जो विभिन्न टीयर 1, 2, 3 शहर में फैला हुआ है। ठीक है, SEPI भारत BPO प्रोत्साहन योजना 2.0 के निर्माण में भी सहायता कर रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए SEPI ने इलेक्ट्रॉनिक सभी निर्माण प्लस पर योजना शुरू की है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉक्स ऑफ इंडिया 1991 की स्थापना के मूल मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगला देखिएगा कि यहाँ पर किया है, ये गैब्रियल बोरिक होंगे चिली के अगले राष्ट्रपति, है ना। तो 10 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति रूप में चुना गया। गैब्रियल 56% मतों से जीते हैं, एक किसी जीते थे 56% मतों से जीते हैं। गैब्रियल बोरिक फोन जो है, गैब्रियल बोरिक फोन चिली के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। वह 2014 से चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के सदस्य थे और मैगनेस ऑफ ओरंटार्टिका जिले का प्रतिनिधित्व करते थे। 2013 में आम चुनाव में उन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। 2017 में उन्हें फिर चुना गया। दोनों चुनाव में उन्हें मैगलेनस क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के बीच सबसे अधिक वोट मिले। 2021 में आम चुनाव के लिए उन्होंने 60% लोकप्रिय वोट के साथ एप्रूवेबल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल प्राइमरी जीता। इस प्रकार वह वामपंथी चुनावी गठबंधन के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। चिली कहते थे, चिली को आधिकारिक तौर पर चिली का राज्य कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका में एक पश्चिम भाग में एक देश है। देश एंडीज और प्रशांत महासागर के बीच भूमि की एक लंबी संघर्ष पट्टी उपस्थित है। यह विश्व का सबसे दक्षिण देश, सबसे लंबा देश भी यही होगा। अंशु किंग बने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के MD। हुंडई मोटर कंपनी 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया गया है। वह सीन सेओब किम की जगह लेंगे, जो दक्षिण कोरिया के सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। HMIL HMC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और भारत की नंबर एक कार निर्यातक है। हुंडई मोटर कंपनी मुख्यालय इसका सीओ दक्षिण कोरिया में स्थित है। विभिन्न 2025 तक WBWF एथलीट आयोग के 6 नियुक्त सदस्य में शामिल होंगे। ठीक है, तो पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 6 सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला होगा। अन्य सदस्यों में इसमें आयरिस वोंग, रोबिन डेलविन, गिरीश चपोली, किम सोयाल, चौको सुधर की पीवी सिंधु ना, तो ये सदस्य शामिल होंगे। पीवी सिंधु के बारे में 2016 के रियो ओलंपिक में, ठीक है, रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु ने इस साल में की शुरुआत में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने 2019 में 2 कांस्य पदक और प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक के अलावा 2 रजत पदक भी जीते हैं। कौन है विकिलीक्स के संस्थापक जूलियस असांजे? ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन के लंदन हाई कोर्ट में ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए विकिलीक्स के संस्थापक जूलियस असांजे को अमेरिकी प्रत्यारोपित किए जाने का रास्ता खोल दिया है। अमेरिका ने ब्रिटेन की एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपनी अपील जीती है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि असांजे के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता के कारण उसे अमेरिकी प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। अदालत ने फैसला इसलिए सुना कि अमेरिका ने अदालत को यह वादा किया कि वह असांजे की आत्महत्या के जोखिम को भी कम करेंगे। ठीक है, 50 वर्षीय असंजय 2010-2011 में हजारों गोपनीय सैन्य और रणनीतिक दस्तावेज के प्रकाशन के मामले में अमेरिका से वांछित है। जूलियस असंजय पर अमेरिका में जासूसी के 17 आरोप और कंप्यूटर के दुरुपयोग संबंधी एक आरोप लगाया गया। इन आरोपों में दोषी पाए जाने के अधिकतम 175 साल तक की कैद हो सकती है। कौन है जूलियस असंजय और क्या है इनका पूरा विवाद? असंजय का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 3 जुलाई 1971 को हुआ। उनके बचपन और जवानी के दिनों में इन्होंने कुल मिलाकर 37 स्कूल अटेंड किए, याद रखना 37। 1990 के दौरान वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए। ठीक है, इसके अलावा हैकिंग में भी वह माहिर थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से फिजिक्स और मैथ में डिग्री हासिल की। इनकी एक वेबसाइट विकिलीक्स नाम से 2006 में रजिस्टर की गई थी, लेकिन इस पर काम 2007 में शुरू हुआ। 2010 में विकिलीक्स ने बड़ी संख्या में सेना से जुड़े अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों को पब्लिश किया। इसके अलावा असंजय ने अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़े दस्तावेजों को भी सार्वजनिक किया। इसके बाद अमेरिका ने असंजय को बहिष्कृत कर दिया। कुछ समय बाद ही स्वीडन की 2 महिलाओं ने असंजय पर रेप और यौन शोषण के आरोप लगाए और उनके खिलाफ स्वीडन ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। असंजय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। स्वीडन ने असंजय के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी प्रत्यारोपण वारंट जारी किए। स्वीडन ने असंजय के 2012 में ब्रिटेन द्वारा स्वीडन को प्रत्यारोपित किए जाने से बचने के लिए उन्होंने ब्रिटेन के ही इक्वाडोर को के दूतावास में शरण की गुहार लगाई और अब तक से लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। 2013 में इक्वाडोर और इक्वाडोर द्वारा उनको राजनीतिक शरण दूतावास में ही दे दी गई। 2016 में विकिलीक्स ने डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन को टीम द्वारा अमेरिकी चुनाव अभियान भेजे गए 20,000 हैक ईमेल सार्वजनिक कर दिए।
ठीक है। हालांकि स्वीडन 2017 में उनके खिलाफ रेप संबंधी अपराध को हटा लिया था। इसके बाद असेंजन इक्वाडोर की नागरिकता ले ली। 2018 में उनके वकील ने दूतावास में उनकी रहने की परिस्थितियों को संयुक्त बताया। 2019 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेना ने कहा कि संजय ने अपने शरण स्थल के नियमों का उल्लंघन किया है। अब ब्रिटेन की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनकी शरण खत्म होने का हवाला दिया है। ठीक है, क्या है प्रत्यारोपण? अब देखो प्रत्यारोपण के बारे में जानो, तो प्रत्यारोपण का अभिप्राय उस कानूनी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी सहमति के बिना उसे एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें एक सरकारी प्राधिकरण औपचारिक और कानूनी रूप से एक कथित अपराधी को अपराधी अभियोजन का सामना करने के लिए किसी अन्य सरकार से उसकी मांग करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यार्पण की परिभाषा के अनुसार प्रत्यार्पण एक देश द्वारा दूसरे देश में किए गए किसी अपराध की अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संबंधित देश को सौंपना है, बशर्ते वह अपराध उस देश की अदालत द्वारा नियोजित हो। प्रत्यार्पित व्यक्ति में वे लोग शामिल होते हैं जो किसी अपराध के संबंध में आरोपित हैं या ऐसे लोग जो दोषी पाए गए हैं लेकिन हिरासत से बच गए हैं या अनुपस्थित होने पर दोषी पाए गए हैं। निर्वासन की विपरीत यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखो भारत में जो इसके लिए क्या कानून है, क्या कानून है भारत में प्रत्यार्पण के लिए, कानून क्या बने हैं? तो भारत में एक बहुत अपराधी के प्रत्यार्पण को भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह भारत में लाने और भारत से विदेशों में ले जाने दोनों प्रकार के व्यक्ति को प्रत्यार्पित करने के लिए है। भारत और किसी अन्य देश के बीच प्रत्यार्पण का आधार एक संधि हो सकती है। वर्तमान में भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि और 11 देशों के साथ प्रत्यार्पण समझौता है। ठीक है, भारतीय प्रत्यारोपण, भारतीय जो प्रत्यार्पण संधि है इसके बारे में सुन लो। तो देखो भारतीय प्रत्यारोपण अधिनियम 1962 को धारा 2D एक विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की संधि समझौते या व्यवस्था के रूप में एक प्रत्यार्पण संधि को परिभाषित करती है। यह भौगोलिक अपराधियों के प्रत्यार्पण से संबंधित है और भारत में बाध्यकारी है। प्रत्यार्पण संधियां पारंपरिक रूप से प्रगति में द्विपक्षीय होती हैं। पालन किए जाने वाले सिद्धांत को ध्यान से देखना, प्रत्यार्पण केवल ऐसे अपराधों पर लागू होता है जो संधि में उल्लेखित है। यह दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को लागू करता है जिसका अर्थ है कि अनुरोध करने वाले देश के साथ साथ अनुरोधित तो देश के राष्ट्रीय कानूनों में भी अपराध होना। प्रत्यार्पण केवल उस अपराध के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रत्यार्पण का अनुरोध किया गया हो। अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रत्यार्पण अपराध, अब देखो अपराध है क्या, ये है ना प्रत्यार्पण अपराध क्या है? तो प्रत्यार्पण अपराध का अर्थ ऐसे अपराधों से है जो दोनों देशों के कानूनों को के अंतर्गत दंडनीय है और जिससे एक वर्ष में के कारावास अथवा अधिक कार्यदंड का प्रावधान है। जब किसी सजा प्राप्त व्यक्ति के प्रत्यार्पण की मांग की जाती है तो शेष सजा की अवधि कम से कम 6 महीने होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह प्रत्यार्पण याद रखिएगा। अब देखो पुरस्कार और सम्मान चयन में बात कर लेते हैं। तो पुरस्कार किसे किसे मिले हैं और इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस एक घंटे की वीडियो मेरी हो गई है। ठीक है, बस एक रोज हम इस बुक के 20 पेज पढ़ेंगे। कितने पेज पढ़ेंगे? 20 पेज हम इस बुक के डेली पढ़ेंगे। हमने 20 भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो मेरा पेज है ये 21 में, तो 21 से 40 तक हम कर पाएंगे। ठीक है, तो 20 पेज कंप्लीट हो गए। तो गाइस अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यार चैनल को अगर नए हैं प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को एक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइस कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले 20 पेज के साथ। ठीक है, तो ऐसे गाइस क्या होगा कि 20 पेज हम डेली पढ़ेंगे बुक के, तो 20 हम इसको 15 दिन में पूरी कर देंगे, है ना। और महीने में इसको हम दो बार पढ़ेंगे तो आसान है ना हमारे लिए। महीने में दो बार पढ़ना, दो बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।